Continue straight onto Sheikh Hamad Causeway. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं जी। आज हम आए हैं दरवेनी मॉल में और ये बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट किस्म का शॉपिंग मॉल है। तो चलिए अंदर जाके चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये शॉपिंग मॉल बना था 2017 में और ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट इस वजह से है कि इसकी जो सीलिंग है, इसकी जो छत है, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म की है। इसकी कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है वो डिफरेंट है बाकी शॉपिंग मॉल से, क्योंकि ये दिन के टाइम ना इधर से सनलाइट आती है डायरेक्ट, तो ये बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और आप देख सकते हैं, और इसका जो लुक है ये जैसे कि बाज़ार होती है इस टाइप का है। नीचे शॉप्स हैं, ऊपर घर बने हुए होते हैं, इस एक स्ट्रीट लुक आता है। और ये जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही बना है। अमूमन जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं उस उनके फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस टाइप का कुछ होता है, और ये जो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ है। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल सारे जो ब्रांड्स हैं उनके आउटलेट मिलेंगे, और इसके अलावा फूड कोर्ट है और वहाँ पे उनकी फ़ास्ट फूड की पूरी चेन है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे प्ले एरिया है बच्चों के लिए, सिनेमा भी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, कैफ़े भी हैं, और एक अच्छा माहौल यहाँ पर मिल जाता है आपको। इस शॉपिंग मॉल की एक और खासियत ये भी है कि ये फ्रंट को सिटी को कनेक्ट करता है और इसकी बैक साइड पे सी है, और वहाँ पे बोट राइड भी होती है। तो थोड़ी देर में हम आपको वहाँ की भी विज़िट करवाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी बोट राइड। तो ये रहा मॉल का बैक साइड, और यहाँ पे आप सनसेट का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है और आप इंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे कैफ़े हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं, और डिनर के टाइम में भी ये यहाँ पे लाइटिंग होती है। बहुत ही हसीन नज़ारा होता है, स्पेशली सनसेट का तो मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो खैर, अभी हम थोड़ी देर में राइड लेंगे तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे दो किस्म की बोट चलती है, एक जो आपको राउंड लगा के थोड़ा सा विज़िट करवा के वापस लेके आती है, और एक जो है टैक्सी चलती है यहाँ पे, जो कि बहरीन बे तक आपको लेके जाती है। और इसकी चार्जेस जो है 1 VD है, और ये जो है जो ट्रिप है ये लगाती बोट ट्रिप आपको वापस राउंड लगा के वापस लेकर आती है, उसकी 2 VD चार्जेस हैं। तो अभी हमने ये टिकट ली है, और ये पर पर्सन 2 VD पर पर्सन टिकट है। और ये देख सकते हैं आप सनसेट का कितना हसीन व्यू है, बहुत ही मज़ा। मुझे पर्सनली सनसेट बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे ये नीचे होता जाता है, सन नीचे आहिस्ता आहिस्ता होता जाता है, और एक कलर से आसमान में एक लाइट कलर से आ जाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर, अभी हम जा रहे हैं बोट में। Thank you.
ये राइड यहाँ पर ही ख़त्म होगी क्योंकि आगे जो है डीप सी है, तो यहाँ से ये टर्न करेंगे। ये देख सकते हैं आप, आगे डीप सी है इस वजह से, तो अभी हम टर्न कर रहे हैं। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये फोर सीज़न होटल है, ये 5 स्टार होटल है, और ये बहुत ही प्यारा व्यू है आता है यहाँ पे इसका। ये देख सकते हैं आप नाइट व्यू कितना हसीन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है रात के टाइम में भी। तो ये बाकी ये सारे लोग पिक्चर्स खिंचवाने में मसरूफ़ थे। अभी हमें लगी है भूख तो हम आए हैं अंदर, और ये प्ले एरिया भी आप लोगों को साथ शेयर करते हैं। तो बस यहीं पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।